नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। कृषि कानून वापसी के बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई मोहर, कानून अब पूरी तरीके से निरस्त। किसान नेता नरेश टिकैत ने दिए किसान आंदोलन वापसी के संकेत, कहा 4 दिसंबर की बैठक में सहमति बनी तो वापस लौटेंगे किसान। पंजाब के किसान आंदोलन पर अड़े किसानों ने कहा सरकार बताए कि किसानों पर किए गए केस कब तक वापस होंगे। यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ ने अब तक करी 34 गिरफ्तारी, आगे भी जारी रहेगी धरपकड़। ममता बनर्जी और शरद पवार की मुलाकात के बाद अब बन सकता है नया मोर्चा, ममता की पार्टी कर सकती है महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन। ममता बनर्जी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा आधे वक्त विदेश में रहेंगे तो राजनीति कैसे होगी, राजनीति में देना पड़ता है पूरा वक्त। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बूस्टर डोज के लिए मांगी मंजूरी, डीजीसीआई को आवेदन भेजा। 20 से ज्यादा देशों में फैला कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट, दुनिया के अधिकांश देशों ने लगाया ट्रेवल पर बैन। यशराज फिल्म्स ने अनाउंस की नई वेब सीरीज द रेलवे मैन, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित होगी सीरीज, मुख्य भूमिका में नजर आएंगे आर माधवन, दिव्येंदु शर्मा, के मैनन और बाबिल खान। और भारत न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट कल से, भारतीय टीम में हो सकते हैं कई अहम बदलाव।